वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं के कृष्णन गुड़गांव भारत से संबोधित कर रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, आज मुझको मल्टीलिंगुअल ग्रुप के पृष्ठ पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कुछ बोलने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। शुक्राना गुरु जी, फागुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन हुआ था। 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि का पर्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो सांसारिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न हैं। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव जी और पार्वती देवी के विवाह के उत्सव के रूप में मनाते हैं, और सांसारिक परिस्थिति में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव जी द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए ये वो दिन है जिस दिन शिव जी कैलाश पर्वत में एकात्म हो गए थे, अर्थात जिस दिन एक पर्वत की भांति शिव जी एक निश्चल एवं स्थिर हो गए थे। यौगिक परंपरा के अनुसार शिव जी को आदि गुरु माना जाता है। यह माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने के लिए मदद करती है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व में सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा नाम उषा सिंह है आंटी, और मैं यूएस सियाटल से बोल रही हूँ। और सारे गुरु परिवार को, सारी संगत ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ है, सबको बहुत बहुत महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो ग्रुप है शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप है, उन सबको भी, सब सारी संगत को, जो भी सेवादार हैं, सबको उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो पूरी वर्ल्ड में मल्टीलिंगुअल डिफरेंट लैंग्वेजेस में शिव पुराण पढ़ी जा रही है, और बहुत अच्छी सेवा हो रही है। और आप सबको मैं आज के दिन गुरुजी महाराज की तो बड़ी कृपा रहती है, उनका इतना बड़ा सत्संग जो महाशिवरात्रि में, सबसे बड़ा आफ्टर गुरुजीज बर्थडे, वो सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता था। और गुरुजी तो साक्षात महाशिव हैं, महादेव हैं, और वो तो अंतर्यामी है। जो जो गुण हैं महादेव में, जो आजकल हम लोग शिव पुराण पढ़ रहे हैं उसमें, जो जो उसमें पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें वो एग्जैक्टली गुरुजी की तरह ही हैं। सब कुछ गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, और अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। और आज के दिन महाशिवरात्रि, अपने अंतर मन में
जाने का टाइम है, दिन है, और ध्यान में बैठने का दिन है, और साइलेंस में रहने का भी दिन है, और उसके बाद उत्सव भी। और जैसे गुरु जी हमेशा बड़े मंदिर में मनवाते थे संगीत और नृत्य दोनों के साथ साथ, और आज के दिन आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, यही मेरा संदेश है। जय गुरु जी, गुरु जी से जुड़े रहिए। सारे वर्ल्ड में आजकल हम सारे एक दूसरे से जुड़े रहें, जूम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और अच्छी अच्छी वाइब्स भेजते रहें और शुभकामनाएं भेजते रहें, और जो है सत्संग सुनते रहें, सुनाते रहें, यूं ही गुरु जी टाइम निकाल देंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, दिस इज सीमा आहूजा फ्रॉम US ऑन दिस प्योर एंड डिवाइन ईव ऑफ महाशिवरात्रि। आई वुड लाइक टू रीड अ फ्यू लाइन्स दैट आर रियली पायस एंड डिवाइन एंड ब्लिसफुल। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एंड थैंक यू टू द गुरु जी महाराज मल्टी लिंगुअल ग्रुप दैट गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी to you know recite some beautiful lines about you know Mahashivratri. So Mahashivratri, or the great night of Shiva, is celebrated to note the convergence of Shakti, the manifested world, with Shiva, the formless unseen world. Shiva is the consciousness and Shakti is the activating power of energy in motion universally and in each and every individual. Though one is manifested and the other unmanifested, they are in the ultimate sense one and the same. Ratri, translated as night, or that which gives you rest, means to take refuge. Mahashivratri is taking refuge in Shiva, the soul which brings peace and solace to all layers of consciousness. The importance of staying awake on this night. On this night, the northern hemisphere of the planet is positioned in such a way that there is a natural upsurge of energy in a human being. In order to allow this natural upsurge of energies to find their way, one remains with one's spine vertical and therefore stays awake. Energy flows stronger and it is easier to absorb this energy in this night compared to other nights. And what is the significance of Shiva as the Panchbhuta? All of life can be explained as constituted of the five elements of nature, that is space, air, fire, water and earth, or known in Indian languages as Aksham, Vayu, Agni, Jalam and Prithvi. Whether it is the individual human body or the larger cosmic body, essentially they are all made of five elements. So the Panchbhuta are the five elements of nature. Meditating on each of the five elements helps bring them in balance, enabling us to flow with life with peace and tranquility. So on this divine eve of Mahashivratri, I would like to wish everybody the best in the world, and Jai Guruji, Shukrana Guruji Maharaj ka, Om Namah Shivai, Shivji Sada Sahai, Om Namah Shivai, Guruji Sada Sahai. Guruji ka anantam anantam shukrana hai ki aaj hum puri duniya mein globally milke sab ek link mein Mahashivratri manayenge. गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दीवांशी दुग्गल चंडीगढ़ शहर से आज महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सभी संगत, सभी गुरु परिवार को बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज सबको बहुत 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 ज़्यादा ब्लेसिंग्स दें, सबकी लाइफ में बस बहुत सारी खुशियाँ हो, और इस महाशिवरात्रि पर गुरुजी सबकी झोलियाँ बस खुशियों से भर दें, और
सबकी जो भी मनोकामनाएं हैं गुरु जी महाराज पूरा करें। यही बस गुरु जी से अरदास है। जैसे आप सब जानते हैं कि गुरु जी महाराज हमारे महाशिव हैं, और मतलब इनमें ही सब सारे देवती देवी देवताएं इनमें ही समाए हुए हैं। और गुरु जी के लिए तो शिवरात्रि इतना प्यारा सा त्यौहार है जो गुरु जी इतने धूमधाम से मनाते हैं। सो आज इसी शिवरात्रि के अवसर पर मैं बस गुरु जी का मंत्र जाप आप सबके साथ करना चाहती हूँ, और यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके हमें मंत्र जाप करना चाहिए गुरु जी का, क्योंकि मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा शक्ति है और बहुत सारा कल्याण हमारा गुरु जी मंत्र जाप के थ्रू करते हैं। सो जितना हो सके आज महाशिवरात्रि पर आप मंत्र जाप कीजिएगा। और इसी के साथ बस थोड़ी अगर हम कुछ सेकंड्स मंत्र जाप करें तो बहुत अच्छा लगेगा। आप सब संगत मेरे साथ ज्वाइन इन कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। मैं दीपा गुप्ता भुवनेश्वर उड़ीसा से। शिव जी की तो आराधना मैंने बचपन से की है। हर बार शिवरात्रि का व्रत रखा और शिव जी की आराधना की, लेकिन असली पहचान शिव जी की तब हुई जब मैं गुरुजी से मिली, जब मैं गुरुजी से जुड़ी। गुरुजी महाशिव हैं और गुरुजी ने ही मुझे इतना सहारा दिया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो गुरुजी की बदौलत हूँ। महाशिवरात्रि तो साल में एक बार आती है, लेकिन मेरे लिए शिवरात्रि महाशिवरात्रि उसी दिन होती है जिस दिन मैं सत्संग में जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी का, ऐसे ही शिवरात्रि हर महीने आती रहे और मैं सत्संग में हर महीने जाती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी संगत जी, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर सबको बहुत बहुत बधाई हो। मेरा संदेश जो है सारे गुरु परिवार के लिए हिंदी में होगा। महागुरु हमारे जो गुरु जी हैं वो महाशिव हैं, महाशिव का रूप है, जिनके आगे सभी शक्तियां निजी हैं। सबसे ऊंची पावर महाशिव की है। महाशिवरात्रि जो भोलेनाथ का पर्व है, हमारे गुरु जी का भी पर्व है। गुरु जी ऐसी शक्ति हैं कि जिसका कोई भी अथाह नहीं है। गुरु जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उनका पावन प्रसाद और जल प्रसाद, चाय प्रसाद, जो बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म करने की शक्ति रखता है। मेरी सौभाग्य है कि मुझे गुरुजी ने अपने चरणों के साथ जोड़ा और मेरे जीवन सफल किया। मेरे को ही नहीं, खाली मेरे सारे परिवार को उन्होंने जोड़ा। मेरी दो बेटियां, मेरी वाइफ, मेरे दामाद, सबको उन्होंने अपने चरणों के साथ जोड़ लिया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि जिन्होंने हमें अपनी सेवा का अवसर दिया। और इस शिवरात्रि पे मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्राना गुरुजी महाराज जी द मल्टी लैंग्वेज जो ग्रुप है, इसमें सभी लैंग्वेजेस में गुरुजी का जो है उनकी जीवनी का वर्णन है और सभी चीज़ों का उसमें हर लैंग्वेज में सरल अर्थ किया गया है। सो शुक्राना गुरुजी,
शुक्राना गुरु जी महाराज का ग्रुप। धन्यवाद। किन्नी देर का हो देखे जी?